किस देश ने रिपोर्ट जारी करके भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के हनन की बात कही है जिसे भारत ने खारिज कर दिया है? इसका आंसर होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है इंडिया पर कि 2018 में मांस के लिए गोवंश के व्यापार और उनके मारे जाने की अफवाह के बीच हिंसक चरमपंथी हिंदू समूहों द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय, खासतौर पर मुसलमानों पर हमले किए गए। ये रिपोर्ट आई, इसके बाद भारत ने धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया और कहा कि किसी भी अन्य देश को भारत के बारे में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। ये हमारा आंतरिक मामला है। और विदेश मंत्रालय के, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रवीश कुमार, तो उन्होंने ये कहा है कि भारत को अपनी धर्मनिरपेक्षता, सबसे बड़ा लोकतंत्र होने और सहिष्णु और समावेशी होने के वादे के साथ बहुलतावादी समाज के दर्जे पर गर्व है। भारतीय संविधान अपने अल्पसंख्यक समुदायों सहित कई नागरिकों को मूलभूत अधिकारों की गारंटी देता है। मतलब तो दूसरा देश हमें न सिखाए कि हम किस तरह रहें, हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, भारत ने हाल ही में किस देश को अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन करने के लिए 15 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है? काफ़ी बड़ी रकम है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है भारत के नज़रिए से। इसका आंसर होगा नाइजर। ये शिखर सम्मेलन कब आयोजित हो रहा है? तो 7 और 8 जुलाई 2019 को। और कहाँ आयोजित हो रहा है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, तो वो है नाइजर। और नाइजर के नियमे शहर में ये आयोजित किया जाएगा। तो अफ्रीकी संघ जो है एक महाद्वीपीय संघ है और इसमें कितने देश शामिल हैं? तो 55 देश हैं। इसका क्या उद्देश्य है? तो अफ्रीकी देशों के बीच एकता को मजबूत करना और डेवलपमेंट का काम करना वहाँ पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 21 जून। और इस बार का सब्जेक्ट क्या है, थीम क्या है? तो म्यूजिक एट द इंटरेक्शंस। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद यानी ICAO, जो कि यूएन का एक संगठन है, उसमें भारत का प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा शेफाली जुनेजा। वो 1992 की IRS अधिकारी हैं, शेफाली जुनेजा, और 3 साल के लिए उनको वहाँ पर प्रतिनिधि बनाया गया है इंडिया का। और वो किसका स्थान लेंगे? आलोक शेखर का। ICAO उसका कहाँ मुख्यालय? तो कनाडा में है, मॉन्ट्रियल में, और स्थापित कब हुआ था? तो 1944 को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस भारतीय ने कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड जीत लिया है? नितेश कुमार जांगिर, उन्हें ये पुरस्कार प्री मेच्योर बच्चों को सांस लेने के लिए सस्ती डिवाइस बनाने के लिए दिया गया है। और इस डिवाइस का क्या नाम है? तो सांस, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, सांस डिवाइस के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है। ये जो अवार्ड है वो 53 राष्ट्रमंडल देशों में से 15 आविष्कारकों को प्रदान किया गया है, 15 लोगों को दिया गया है, उनमें ये भी व्यक्ति एक है। और हर विजेता को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 2,000 पाउंड इनाम स्वरूप प्रदान किए गए हैं। तो नितेश कुमार जो है वो कौन है? तो बंगलुरु बेस्ड एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, वो COEO लैब के संस्थापक हैं। ये एक मेडिकल डिवाइस कंपनी है, इसका उद्देश्य ये है कि इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर के क्षेत्र में होने वाली जो मौतें हैं उनको रोकने के लिए कदम उठाना, कुछ डिवाइस बनाना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस, इसका आंसर है 20 जून। देखिए जो भी दिवस है ना यूनाइटेड नेशंस से जुड़े हुए वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कभी ना कभी कोई एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो ये जो दिवस है दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजित किया जाता है 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस 2019 का जो सब्जेक्ट है, थीम है, वो क्या है? तो वो है स्टेप विद रिफ्यूजीज, टेक अ स्टेप ऑन वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। हिंदी में कहेंगे इसे शरणार्थियों के साथ कदम, विश्व शरणार्थी दिवस पर एक कदम उठाएं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस भारतीय खिलाड़ी को फोल्कसम ग्रैंड प्रिक्स 2019 में महिलाओं की 1500 मीटर की श्रेणी में स्वर्ण पदक मिला है? उन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसका आंसर होगा PU चित्रा। और ये दौड़ थी, इस दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन स्वीडन के
सोलेंतुना में किया गया था। ओके, और इसमें एक और अवार्ड मिला है भारतीय को, जिनसन जॉनसन अच्छे धावक हैं, उन्होंने रजत पदक जीता है इसमें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना आप। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2019 के लिए G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 की सतत विकास के लिए ऊर्जा परिवर्तन और वैश्विक पर्यावरण पर मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका आंसर होगा जापान। ओके, और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व किसने किया, तो ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री हैं आर के सिंह, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। और आज का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। रावण वन किस देश का पहला उपग्रह है जिसे 17 जून 2019 को अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया है? इसका आंसर होगा, आप लोगों को पता ही होगा, इससे पहले भी जिक्र हो तो चुका है इस क्वेश्चन का, इसका आंसर है श्रीलंका। देखिए ये आपको लग रहा होगा कि पुरानी बात है, देखिए 17 अप्रैल 2019 को अमेरिका से साइग्लनस वन अंतरिक्ष यान की सहायता से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया था ISS में, और अब 17 जून को ISS से लॉन्च करके उसे अंतरिक्ष की पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया गया। उपग्रह को दो श्रीलंकाई इंजीनियरों थारिंदु दयारत्ने और दुलानी चामिका ने डिज़ाइन और विकसित किया है। ओके, ये जापान के सहयोग से हुआ है। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मुद्रा तो आप जानते हैं श्रीलंकाई रुपया, प्रधानमंत्री कौन है तो रानिल विक्रम सिंह है। ओके, और हाँ एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कल कि नीति आयोग नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है फुल फॉर्म, आप ध्यान रखना कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों ये था 24 जून 2019 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, और हाँ इस सप्ताह का जो रोजगार समाचार है वो भी अपलोड हो चुका है, और बहुत सारे लोगों का डिमांड थी कि राज्य और राजधानी इसके अलावा वहाँ जो चीफ मिनिस्टर हैं गवर्नर हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया जाए, तो स्पेशल वीडियो भी बन चुका है, आप जरूर देखना उसे। कल फिर मिलते हैं मॉर्निंग को सुबह 5 बजे ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स के साथ। ओके, बाय।